अच्छा अभी हायाबुसा के बाद सब पूछ रहे थे शिक्रा कहाँ गया, शिक्रा का क्या हुआ, बेच दिया या क्या चक्कर है? भाई शिक्रा नहीं बेचा, शिक्रा ये खड़ा हुआ ये है हमारा शिक्रा। शिक्रा इंशाल्लाह कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि टूरिंग भी चलती रहेगी और सिटी राइड्स भी चलती रहेगी। आज आप हमदा भाई का एक नया रूप देखेंगे, आज ड्रैग रेसेस होंगी। अस्तक फिरुल्ला। ये क्या गया? ले जी बॉयज, बड़ी मजे की राइड होने वाली है। सीबीआर बूसा जिक्सर अफ्रीका ट्विन कैमेरो। भाईजान मैं घर जा रहा हूँ, आप बड़े लड़के ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शपे गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आज का हमारा जो प्लान है वो रोड पे, मैं ऐसे वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आज का प्लान है हमने लेके निकलना है हायाबुसा को, और इसको मैंने एक दो चीज़ें इसकी चेक करनी है, उसके अलावा आज इसकी राइड करेंगे। और मैं आज इसका बताता हूँ आपको कि कौन सा मॉडल है, कौन सा कब की इंपोर्ट है, और मैंने बूसा क्यों लिया है, और इसकी सारी क्या साइंस है। मेरे सामने खड़ा है चमक धमक रहा है, लेकिन मीटअप के बाद इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी मिट्टी पड़ गई थी, तो वो अभी मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करूंगा, उसके बाद चमका के इसको खड़ा करते हैं। अभी इसको जरा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन ये चला नहीं, परसों का यहाँ पे खड़ा हुआ है। थोड़ी देर इसी तरह अभी बाइक को स्टार्ट करने देंगे, फिर मैं इसको जरा लश्कारा मार के आपको बताता हूँ सारी डिटेल्स इसकी। अच्छा भाई मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ सीधे कपड़ा मारने से, एक दफा हल्का सा पानी मार के फिर कपड़ा। अच्छा भाई हमारे पास कोई चीज़ आए और उसका हम नाम ना रखें, ये पॉसिबल नहीं है, तो बाइक का नाम रख दिया गया है। कल हम लोग गाड़ी में एक जगह जा रहे थे और उस दौरान नाम रखे, वो आप पहले कल वाला पार्ट देख लो। आधे घंटे का तकरीबन सफर है। हाँ एक जगह हमने जाना है, वो मैं जाके आपको बताता हूँ। तो डिस्कशन हो रही थी बैठे कि यार हायाबुसा का नाम क्या रखें। अब नाम तो जाहिर बात है, शपैक गैंग में कोई भी चीज़ आती है उसका नाम होता है, ट्रॉफी शिकरा। आज हम सोच रहे थे हायाबुसा का क्या नाम रखे, सोच रहे हैं। हमने सोचा यार उसका जरा ना ऐसे कोई मजे का नाम है, जिस तरह वो बीस्ट है जिन ऐसे रोल टाइप कुछ। मैंने सोचा ब्लैक ड्रैगन, और जवाद साहब ने एक मशवरा दिया लेकिन वो बताने वाला नहीं है। उसके अलावा हसन ने कहा पैंथर। क्या? पैंथर। पैंथर हसन ने बोला, सबको पसंद आया। और यही होता है हमेशा कि नाम कोई एक, सब बोल रहे होते हैं एक नाम जिसको सब एकदम पसंद आए वो फिर हम रख देते हैं। तो हायाबुसा का नाम फाइनल हो चुका है और वो है पैंथर। क्या मतलब पैंथर जा रहा है, चेक पैंथर जा रहा है, आखिर नाम रख दिया आसन तो ना, ओए होए पैंथर जा रहा है। देखो पैंथर होता है भी वो ब्लैक कलर का पैंथर ही होता है। पैंथर को उर्दू में क्या कहते हैं, चीता टाइप होता है। हाँ काला चीता। अच्छा अभी बूसा रेडी खड़ी हुई है, अभी इसको हम राइड पे भी लेके निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। पहले तो मीटअप में आपको बाइक दिखाई और कोई डिटेल्स इसकी आपको पता ही नहीं है। ये हायाबुसा 2017 मॉडल और 2021 की इम्पोर्ट है, ये 21 के अक्टूबर की इम्पोर्ट है। अब बूसा मैंने क्यों ली है, और अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि यही बाइक क्यों, और ये इस तरह के सवाल मेरे माइंड के अंदर थे। दो बाइक्स जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं स्पोर्ट्स बाइक को टूरिंग के साथ ही रखूँगा, तो उस टाइम मेरे माइंड में दो बाइक्स थे, एक हायाबुसा और एक सुजुकी बीएमडब्ल्यू एस 1000 RR। दोनों मैंने देखने शुरू किए, मुझे चाहिए था ज़रा साफ सुथरा बाइक, अच्छी चीज़ ढूंढ रहा था। अब दो बाइक्स में देख रहा था, S1000 और हायाबुसा। दोनों की वजह क्या है, S1000 शेप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब उस कैटेगरी के अंदर वो मुझे बेस्ट शेप लगती है। 2017-18-19 वाला मॉडल, अभी वाला थोड़ा स्लिम हो गया है लेकिन फिर भी खूबसूरत बहुत है, तो वो मुझे उसकी बड़ी शेप पसंद थी। और बाकी जो बाइक्स आते हैं जिस तरह R1 हो गए, जो नई शेप्स हैं R1 R6 डुकाटी या जितने भी हैं, जिक्सर 1000 मैंने ट्राई किया था, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। और मैं आपको बता, ये देखो मैं इसके साथ खड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए, मेरा ख्याल है ये साइज़ बेहतर है। BM जो है वो थोड़ा सा हल्की सी बल्की शेप देता है आपको, एक मुझे उसकी शेप बहुत पसंद है। दूसरी ये ऑप्शन थी, ये तो ऑल टाइम लेजेंडरी बाइक है, मतलब धूम के बाद किसी बच्चे से या बुड्ढे से भी पूछो कि हैवी बाइक क्या होता है, वो बोलता था हायाबुसा। तो ये तो लेजेंडरी बाइक है, इसका तो वो कोई है ही नहीं। हाँ मुझे ये लगता था कि यार ये ओवर बल्कि है इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक खूबसूरत चीज़ है ये, तो मैं दोनों ऑप्शंस देख रहा था। फिर तकरीबन 3 हफ्ते की मेरी ये इसके ऊपर सारी सर्चिंग थी कि क्या मुझे कहाँ से क्या चीज़ मिले, कराची देखे, इस्लामाबाद देखे, लाहौर में बाइक देखे। मुझे एक दो BM के अंदर अच्छी ऑप्शंस मिल रही थी, और एक मुझे और बूसा मिल रहा था, फिर मुझे ये नज़र आया, तो काफ़ी मतलब बाइक्स चल रहे थे देख रहा था मैं। जब मुझे ये वाली बाइक नज़र आई, ये थी जब 2021 के अक्टूबर में इंपोर्ट हुई है, तो जिस बंदे के पास थी उसी बंदे के पास अभी थी, तो वन ऑनर यूज़। एक तो ये इसका फ़ायदा मुझे नज़र आया, दूसरा बाइक साफ़ बहुत थी, प्रॉपर ओरिजिनल हर चीज़, मतलब कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई टच वच ये वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। एक तरह से आप सोचो वो बंदे ने गैराज की जीनत बना के बाइक को रखा हुआ था, बाइक देख के ये फैला, जिस तरह वो
कुर्बानी के जानवर ले जाओ तो कहते नहीं घर का पलिया हुआ है, इसका वो वाला हिसाब था। तो मतलब ये घर के अंदर खड़ा हुआ था गैराज में, साथ इसका योशिमुरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और फुल सिस्टम के ये कि बंदे ने खुद जो है वो मंगवा के इसका डब्बा शब्बा साथ जो है इसके आया हुआ है, और स्टॉक एग्जॉस्ट मुझे इसके साथ मिले। वरना अक्सर ये होता है कि आप बाइक लेते हैं तो या आपको स्टॉक एग्जॉस्ट मिलता है या फिर आपको आफ्टर मार्केट मिलता है, दूसरी चीज़ पता नहीं किधर गई और किधर नहीं गई। उसके बाद ये काउल ओरिजिनल है, अदरवाइज ओरिजिनल काउल बहुत कम मिलता है आपको। चाइना की सीट या लगी होती है या सीट लगी होती है और काउल गायब होता है, या काउल लगा होता है तो सीट नहीं होती है, तो वो फिर चाइना का मंगवाना पड़ता है जिसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आती। तो ये काउल साथ था, ओरिजिनल सीट भी साथ है। इस तरह जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बाइक के साथ आई थी वो अभी तक मुझे इसके साथ मिली है। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना करता पलिया, वो बाकी इस तरह की फील है। तो इस बाइक को इसलिए मैंने चूज़ किया कि यार ये मतलब मेरी देखी हुई बाइक है, कि हाँ ये मुझे इस पे यकीन सब एक फील आती है ना बंदे को कि ये चीज़ ठीक है, तो मैंने इसको फाइनल किया। अभी इसको लेके निकलते हैं राइड पे। ले जी माशाल्लाह से पैंथर इज रेडी। ब्लैक पैंथर है असल में, ये ब्लैक पैंथर, लेकिन वो ज़रा लंबा हो जाता है तो इसलिए हम इसको कहेंगे पैंथर। पैंथर इज रेडी। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ राइड पे, और थोड़ा सा आज आपको डिटेल्ड फर्स्ट राइड इसकी चेक करवाता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ। यार आवाज़ बहुत तेज़ चल रही है, कभी मुझे इधर से हवा लग रही है, कभी इधर से, समझ नहीं आ रही कि किधर से आ रही है और किधर जा रही है। और मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि हयाबुसा आपको पता है जिस तरह धूम में यूज़ हुआ था, और उसके बाद जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर तो खास तौर पे बच्चे से बूढ़े तक किसी को भी पूछ लो हैवी बाइक तो वो हयाबुसा होता है। वो सारी पॉपुलैरिटी इसने गेन की थी धूम से, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो इसने पॉपुलैरिटी गेन की थी, पहले तो मैं बताता हूँ कि हयाबुसा का मतलब क्या है, हयाबुसा नाम क्यों है इस बाइक का। हयाबुसा पहली बार लॉन्च हुआ था 1998 में। उससे पहले तक जो दुनिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन थी ना बाइक्स में, वो था होंडा का 1100 था वो, और उसका नाम था ब्लैक बर्ड। ठीक है, अब ये ब्लैक बर्ड को आपने याद रखना है। 98 के अंदर हयाबुसा सुजुकी ने लॉन्च किया, और एकदम से जो है ना वो जाता था आई थिंक 290 समथिंग पे या 280 समथिंग पे जो ब्लैक बर्ड था, या 292 आई थिंक, इस तरह का कुछ था, मुझे कन्फर्म नहीं है। इन्होंने जब 98 में हयाबुसा पहली बार लॉन्च किया तो ये 315 या 312 की स्पीड तक जाता था, तो एकदम से पूरी दुनिया का फास्टेस्ट बाइक हो गया हयाबुसा। ठीक है, सारी पॉपुलैरिटी इसने खींच ली। हयाबुसा का मतलब क्या है, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। हयाबुसा का मतलब जैपनीज के अंदर फैल्कन को हयाबुसा कहते हैं, और फैल्कन में भी आगे एक स्पेसिफिक टाइप है, उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो ब्लैक ब्राउन सा होता है जो जैपनीज में उसे कहा जाता है हयाबुसा। तो इन्होंने हयाबुसा लॉन्च किया, और ये इसकी आगे से शेप भी आपको ना हल्की सी चोंच फील होती है और ज़रा एग्रेसिव सा। अब साइंस है पूरी नाम के अंदर, जो हयाबुसा एक्चुअल फैल्कन है वो शिकार करता है सिर्फ ब्लैक बर्ड का, काले परिंदों का और इस तरह की चीज़ों का शिकारी है वो। अब इन्होंने इसका नाम हयाबुसा इसलिए रखा कि इन्होंने होंडा वाला जो बाइक था जिसका नाम ब्लैक बर्ड था, इन्होंने उसको पीछे छोड़ा। तो ये पूरी एक लॉजिक बनती है कि हयाबुसा इसका नाम इसलिए कि वो होंडा के ब्लैक बर्ड को इसने उसका शिकार किया इसने, तो उसके बाद से ये हमेशा के लिए इसका नाम हयाबुसा है। आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई हो। अभी खैर बस मैं राइड को एंजॉय करता हुआ, मैं ज़रा एग्रेसिव राइडर बिल्कुल नहीं हूँ, ये बाइक्स इतनी बुरी चीज़ें नहीं है जितना आपका अपना एग्रेसिव होना या नॉर्मल होना। तो हाँ, खाली सड़क हो तो मैं थोड़ा बहुत इसको देख लेता हूँ ऊपर नीचे, अदरवाइज रश के अंदर नहीं। और इसमें भी ये है कि एक और बड़ी मज़े की स्टोरी है कि जब इन्होंने 98 में लॉन्च किया तब ये जाता था 315 तक आई थिंक जो कंपनी का मीटर था। उसके बाद 99 के अंदर इनकी एक मीटिंग बैठी वर्ल्ड वाइड, जो ये बाइकर एसोसिएशन या जो भी होगी कंपनीज की आपस में, उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि 315 स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इस तरह आहिस्ता सब अपनी बाइक्स की स्पीड को बढ़ाते रहेंगे जो कि सेफ़ नहीं होगा। तो 99 में या आई थिंक 2000 में एक इन्होंने लॉ पास किया, फैसला किया आपस में कि 280 से ऊपर जो है वो बाइक हम नहीं बनाएंगे। तो अब इसके मीटर पे 280 लिखा हुआ आपको नज़र आता है। अगर आप बाइक को ट्यून कर दो, इसका मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर दो, चीज़ें कर दो, तो ये आई थिंक 350 पता नहीं थे, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ फिर ये इसकी जाती है स्पीड ऊपर काफ़ी 300-350 तक जाता है फिर। तो अब ये 280 इसलिए पावर इसके अंदर, मतलब इसके कैपेबिलिटी इसकी है कि ये 315-320 तक जाए बाइक, मेरा ख्याल है तो। लेकिन कंपनी ने अपने सर से ये चीज़ उतार दी 280 लिख के, अब कंपनी पे कोई केस नहीं कर सकता अगर 315 की स्पीड पे मर जाता है कोई, कि भाई कंपनी ने इतना तेज़ बाइक निकाला हुआ है।
रेडी 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 हाय 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 टॉर्क मोटरस्पोर्ट्स। अच्छा भी अभी मैं आया हूँ टॉर्क मोटरस्पोर्ट पे। मैंने चौरसब को बाइक चेक करवानी थी और जब बंदा टॉर्क पे आए तो एक बाइकर्स की अल मशहूर जोड़ी जो है ना, क्या हाल है चौरसब, कैसे टॉर्क और निशान भाई, क्या हाल है और क्या प्लान है आज का हमारा? आज राइड पे जा रहे हैं। ठीक है, मस्त एंजॉय करते हैं। एक और आ रहे हैं हमारे दोस्त, अच्छा जो जिनका बस चले तो वो स्वयं भी बाइक पे वो तो ये नहीं है, अच्छा वो भी है, अपने ग्रुप में सारे ऐसे मिलेंगे अच्छा जिशान भी नेक्स्ट बाइक कौन सी है? नेक्स्ट बाइक जी, अभी मैं थोड़ा सा हमजा भाई कंफ्यूज था, CBR था एक माइंड के अंदर, एक यामाहा R1 था, आपको पीछे नजर भी आ रहा है, हाँ जी वो खड़ा हुआ ब्लू, और एक 10R था, वो मैं प्लान कर रहा था, वो सनी भाई का सेल हो गया। सही। तो अभी इंशाल्लाह इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मगर मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी यामाहा R1। ओके ओके ओके, ये क्या चीज है? आज आप हमजा भाई का एक नया रूप देखेंगे, आज ड्रैग रेसेस होगी। अच्छा जी, क्या क्या है इस टाइम? ये है जी H2 है, कावासाकी 2016 मॉडल। सही। और ये सूप्ड अप भी हुआ है, ट्यून्ड है, जरा तेज है, ठीक है, H2 है उससे ज्यादा। ओके। और उसके बाद ये एप्रिला है, इसका इस R1 पे दिलाया हुआ डॉक्टर साहब आपका जी ओके और ये 1900 चला हुआ है, ठीक है, बहुत साफ बाइक है। फिर ये डिक्सर है, सही। ये भी 2014 मॉडल है और इस बाइक में भी बिल्कुल कोई टचअप नहीं है, बहुत साफ बाइक है। ओके ओके। इस मॉडल में इतने साफ बाइक नहीं मिलते, तो हमने ये बड़ा ढूंढ के लेकर आए। सही। और फिर ये हमारे पास हार्ले डेविडसन खड़ा है, ये जरा बिग बॉयज टॉयज है बिग बॉयज है जी ये बिल्कुल वाकई। अच्छा, टॉर्क पे आने के बाद आप जब अंदर फिर रहे होते हो ना, तो वो एक बाइकर के लिए एक ड्रीम शोरूम है, वो उसको लगता है कि अच्छा ये खड़ा है, ये खड़ा, वो देख के बंदे को एक अलग फील आ रही होती है। खैर अभी बस हम लोग निकलेंगे एक राइड पे। ये छोटे छोटे बच्चे आ गए, क्या हाल है भाई, क्या क्या नाम है? अब्दुल रहमान अहमद दस्तगीर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SSB में। सही है, और ठीक ठाक? चलो डन, आगे हो ब्लॉग में। ले जी राइड के लिए रेडी हैं, सनी भाई अफ्रीका ट्विन पे, भाई हायाबूसा पे, जिशान भाई CBR पे और जिक्सर पे मंसूर भाई। ओए होए बहुत आवाज है भाई CBR की। चलें जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं अपनी राइड। ले जी बॉयज बड़ी मजे की राइड होने वाली है, CBR बूसा जिक्सर अफ्रीका ट्विन कैमेरो। CBR बहुत लाउड है यार, बहुत लाउड बाइक है, खूबसूरत।
अच्छा यार, जिक्सर्स के अंदर मुझे इस वाले मॉडल में एक ये वाला कलर स्कीम बहुत ज्यादा पसंद है, और एक इसमें प्योर ब्लैक, एक ग्रे, वो इतनी मजे की नहीं है। ये बॉयज गए। एक इसमें जिक्सर में ब्लैक, प्योर ब्लैक, इतना खूबसूरत कलर है, और एक ये जो इसका ब्लू जा रहा है, ये दो कलर्स इसमें बहुत प्यारे हैं। ये ड्रैग होने लगा है, कमेरो वर्सेस मंसूर बाजवा जिक्सर। मेरा ये काम नहीं है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपना सुकून से, आप इंतजार में थे कि मैं निकलूंगा। ये क्या गया। सईद भाई, सनी भाई के घर जाने, वो कह रहे हैं मैं डुकाटी निकाल रहा हूँ, फिर वहां से फेस सेवन। बस थोड़े से और आ चुके हैं, ये थे पहले ही, एक ZX10 आ रहा है और डुकाटी, क्या खूबसूरत शेप है, ये सनी भाई का। और अभी किधर बैठूं यार, मेरी जान निकलती है स्पीड से, मैं मुझे चलानी नहीं आती। चल आ रहा हूँ। हम 10 कार के ड्राइवर्स लग रहे हैं। हाँ है ना, ऐसे लग रही है जिस तरह, पता नहीं कौन सी। दो तीन बातें मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? मैंने जिंदगी में कभी लेफ्ट हैंड कार नहीं चलाई। मैं उतर रहा हूँ। दो बाकी ना बताए। मैं जरा कलमा पाल लूं। यार मैं उतर चुकी, इधर मैं पैदल चलाया था। नेक्स्ट लेवल चीज। भाईजान मैं घर जा रहा हूँ, आप बड़े लड़के ले आए हैं, आप बड़े लड़के ले आए हैं, मैं नहीं खेल रहा। तो सब फिर नहीं राजी हो रहे डॉक्टर साहब रेस के लिए? डॉक्टर साहब को पता है इनके साथ क्या होने, अभी रस्ते में इन्होंने थोड़ा सा खींचा है, इनको पूरी फील आई है, इसी वजह से नहीं माने। अभी देखिए आपके सामने खड़े हैं। ये डुकाटी जो 1299 है ना, मैं उसके ऊपर उसको चला चुका हूँ बहुत ज़्यादा, जितना जो साहब ने चलाया तकरीबन उतना ही चला चुका हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि बाइक तेज़ है। अच्छा, मगर थोड़ा सा ना बंदे बंदे पे भी डिपेंड। यानी कि इनके कहने का मकसद है कि एक तो बाइक तेज, ऊपर से बंदा तेज। तो बिल्कुल ही डॉक्टर साहब जो है ना, तो साइड भी हो गए। भाई देखें, मैं तो CBR के ऊपर बैठ नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे फील हुआ है कि वो मेरे से उसकी सेटिंग नहीं हो रही, मैंने लगा दिए पैसे एक बाइक के ऊपर। मंसूर भाई चुप करके दोनों को देख रहे हैं, बोलने जितना बोलने। मैंने कहा मेरी तरह से मंसूर भाई हैं और इधर से चल सब ले हैं जो मर्जी भाई। मैं आपको 3,000 रुपए की लगाई है। हाँ, ये पैसे बढ़ाए। हाँ जी, 500 होना चाहिए कम अज कम। रेस बड़ी है डॉक्टर साहब। यार 1,000 मैंने पहले बोला था, फिर इन्होंने कहा यार कोई बड़ी बात बोले, तो मैंने 2,000 किया। भाई जान बात आपकी फेंटा की टॉफी पे खत्म होनी है। ओ यार माशाल्लाह खूबसूरत, माय पैंथर। पैंथर की राइड इतनी खूबसूरत, स्मूथ हो गए। आपको पता है मैं आपको चांस दे रहा हूँ सिर्फ। ये हम लोग पहुंच चुके हैं डिफेंस राया, और हमारा 1 डिग्री का ऑफिस भी यहाँ ऊपर ही है। ओ तेरी डुकाटी, डुकाटी का साउंड है। अच्छा भी राइड के बाद हम लोग आए, ज़रा बैठ के खाना शाना खा रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी है, अब लाइट ऑलमोस्ट जाने वाली है और आज का हमारा दिन यहाँ ख़त्म हो रहा है।
कैसा रहा आज का फिर? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बल्कि मैं तो अब आपको कहूंगा कि आपने जब भी राइड पे निकलना है तो हमारे साथ निकलना है। सुपर बाइक पे जब भी हो तो बड़ा एंजॉय करते हैं। आज भी बहुत मजा आया आपका बाइक। मैं फिर एक दफा कहूंगा बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बाइक है और अल्लाह आपको नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत जबरदस्त बाइक है, इसे एंजॉय करें और सेफली राइड। इसको लेके आऊं भावलपुर? सर एनी टाइम, एनी टाइम। चलो इंशाल्लाह भावलपुर का भी प्लान करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह सीन ऑन करते हैं। थैंक यू जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या कहां अपलोड करोगे? आपके चैनल से मैंने आगे आपको मेंशन किया, मैं थैंक यू। अच्छा और ठीक हो? ठीक हो, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। हम आएंगे ब्रो। आ रहे हो? आ रहे हो। आई लव यू स्पैक गैंग। ओके आई लव यू। ओके जी बॉयज एंड गर्ल्स, अ डे विद पैंथर यहाँ ख़त्म होता है आज हमारा दिन। बड़ी मज़े की राइड रही। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। और पैंथर आप लोगों को कैसा नाम लगा कमेंट्स में बताना। एक हमारे पास शिकरा है जो पहाड़ों की सैर करता है और एक हमारे पास पैंथर है जो यहाँ पर शिकार करेगा। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।